Welcome to Jain Tutorials. It is Jain Tutorial online class for physics, chemistry, maths. Today we study about class 11th physics units and dimension video number 8. 7 तक में देख लिए, थर्ड यूज बता दिए थे, कन्वर्शन कैसे करते बता दिए थे, बहुत अच्छा से आप बना सकते हैं, किसी भी यूनिट को MKS से CGS में कन्वर्ट कर सकते हैं। यूनिट्स एंड डायमेंशन का चौथा यूज पढ़ रहे थे हम लोग, जिसमें हम लोग क्या बता सकते हैं कि फार्मूला निकाल सकते हैं, जिसमें हम बताएंगे कि फार्मूला कैसे निकाल सकते हैं। हम लोग चौथा यूज पढ़ रहे हैं, दो यूज बता दिए थे, तीसरा यूज सातवां वीडियो में था, फोर्थ यूज पढ़ रहे थे हम लोग, क्या निकाल सकते हैं, फार्मूला निकाल सकते हैं। एक बना के दिखाए थे, एग्जाम्पल टू कर रहे, कोई भी चीज बना सकते हैं हम लोग। जिसे बोल देगा वेलोसिटी डिपेंड करता, ये तीन बात आपको दिया होगा, वेलोसिटी भी ऐसे लिखा हुआ डिपेंड करता है, ये डिपेंड फैक्टर है जिस पे डिपेंड करता है, बोल दिया कि रेडियस पे डिपेंड करता है, ईटा पे डिपेंड करता है, डी मतलब डेंसिटी, रेडियस पे डिपेंड करता है, आर ईटा और डी मतलब होता है डेंसिटी, और कुछ नहीं दिया हुआ है, और बोल दिया फाइंड फार्मूला फोर वेलोसिटी, वेलोसिटी का फॉर्मूला निकाल दीजिए, व्हाट यूजिंग डायमेंशन, डायमेंशन सबका याद होना चाहिए, और आपको फॉर्मूला निकालना है वेलोसिटी का, एग्जाम में एकदम इसी तरह क्वेश्चन आता है, आराम से आप बना सकते हैं। तो देखिए वेलोसिटी डिपेंड करता है, रेडियस का पावर पता नहीं, ए मान लिया अपने मन से, कितना स्क्वायर है क्यूब है क्या जानेंगे, डिपेंड करता है ईटा, कुछ भी दे सकता है यहाँ पे, बी डिपेंड करता है डी डेंसिटी, सी मान लिया। अगर हम ए बी सी निकाल देंगे ना, मेरे पिछला वीडियो देखे होंगे, एक एग्जांपल किए थे, सेकंड एग्जांपल कर रहे हैं, ए बी सी निकाल देंगे तो हम लोग का वेलोसिटी निकल जाएगा, वेलोसिटी डिपेंड करता है आर पे ईटा पे डी पे, वेलोसिटी को कंबाइन कर दिए है ना, क्या होगा, आर का पावर ए, ईटा का पावर बी, डी का पावर सी। जब भी प्रोपोर्शनल हटाते हैं हमेशा, यहां तक में कोई दिक्कत है कुछ किए ही नहीं है ना, यहां तक में कुछ भी नहीं किए हैं, क्वेश्चन दिया ऐसे लिख दिए। अब हमारा टारगेट क्या है, ए बी सी निकालना, ए बी सी निकालेंगे आ जाएगा आंसर। तो क्या करेंगे हम लोग, पुटिंग डायमेंशन बोथ साइड, दोनों तरफ डायमेंशन पुट करते हैं। वेलोसिटी का क्या होता है, एम तो नहीं होता पता है, L का 1 और T का माइनस 1, एम नहीं है 0 लिख सकते हम लोग, इक्वल टू K तो कांस्टेंट है, K का डायमेंशन नहीं होगा, कोई नंबर है वो है ना, K नहीं जानते हैं। R रेडियस क्या होगा, L का पावर है, R इज अ रेडियस, रेडियस का क्या होगा, L होगा, क्यों होगा L, क्योंकि दूरी है, क्लियर है। ईटा, ईटा मतलब एकदम याद कर लीजिए, एम वन एल माइनस वन टी माइनस वन का पावर बी और डी डेंसिटी, क्या होगा, एम का पावर वन एल का पावर माइनस थ्री का पावर सी, एम का पावर वन एल का पावर माइनस थ्री डेंसिटी का पावर सी लिख दिए, सजा के लिखेंगे एम जीरो एल वन टी माइनस वन, एल का पावर ए है, पावर का पावर मल्टीप्लाई, एम का पावर वन बी जे क्या होगा बी, एल का पावर माइनस वन इंटू बी का पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है, टी का पावर क्या हो गया माइनस बी, बी से मल्टीप्लाई हो गया ईटा का पावर, एम का पावर सी और एल का पावर माइनस थ्री सी, अंडरस्टूड, सजा के लिख रहे हैं, एम का जीरो एल का वन टी का माइनस वन, एक जगह लिखिए एम का पावर बी प्लस सी, दो जगह एम है, पावर पावर जुड़ता है, एम का पावर बी और एम का पावर सी को मल्टीप्लाई करेंगे एम का पावर बी प्लस सी, एल का सबसे मेन क्वेश्चन पढ़ रहे हैं लोग, ए माइनस बी माइनस थ्री सी और टी का पावर क्या हो गया माइनस बी, एल का पावर माइनस ए है माइनस बी है और माइनस थ्री और टी का पावर एक ही जगह है, अंडरस्टूड, इतना तो कोई भी कर लेंगे, सेकेंड स्टेप हो गया। अब इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, इक्वेट करेंगे पावर, प्रिंसिपल ऑफ क्या बोलेंगे, होमोजीनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी बोलते हैं, मतलब पावर को इक्वेट, ये दोनों सेम है हम ट्रू होगा तभी ना ऐसा बना रहे हैं, पावर सेम होता है मतलब क्या, इक्वेटिंग क्या पावर ऑफ क्या एम एल टी बोथ साइड, दो तरफ पावर को इक्वेट करना इज कॉल्ड होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोलते हैं। एम के लिए बताएं, इधर जीरो है तो उधर कितना है बी प्लस सी, इधर एल के लिए बताइए वन है तो उधर क्या है ए माइनस बी माइनस थ्री सी, और टी के लिए बताइए
माइनस वन है तो क्या है, माइनस बी, तो बी इज इक्वल टू क्या हुआ, बी निकल गया, कह रहे हैं बी निकल गया हम लोग अब शुरू में ही। अब टू और थ्री इक्वेशन को देखिए, वन तो यहाँ माने टू और थ्री, बी निकल चुका है, अब हमको सी निकालना है, कहाँ छिपा हुआ है, बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, वन बी का वैल्यू वन प्लस सी का वैल्यू जीरो, तो सी भी निकल गया। आपको दिमाग लगा ए बी सी निकालना है, बी निकल चुका है, आप मतलब यहाँ पुट करने से सी निकल जाएगा, है ना, आप कैसे जाने सर, आप भी जान सकते हैं, बहुत ईजी है। अब नाउ बी और सी निकल गया, ए कहाँ से निकलेगा, तीनों चीज निकालने के लिए ए निकलेगा, यहाँ से निकलेगा वन इक्वल टू क्या है, ए माइनस बी माइनस थ्री सी, वन इज इक्वल टू ए नहीं पता, बी का वैल्यू वन पता, सी का वैल्यू माइनस वन पता, वन इक्वल टू ए माइनस वन प्लस थ्री, वन इक्वल टू ए प्लस टू, वन माइनस टू इक्वल टू ए माइनस वन इक्वल टू, यानी तीनों का वैल्यू पता चल गया, क्या क्या चल गया, ए का वैल्यू वन, बी का वैल्यू सॉरी ए का वैल्यू माइनस वन, बी का वैल्यू वन, और सी का वैल्यू भी निकल गया माइनस, तो आंसर आ गया हम लोग का। इक्वेशन वन में पुट कर दीजिए, वेलोसिटी इक्वल टू के आर का पावर ए, ईटा का पावर बी, बी का पावर सी, के तो आंसर में रहेगा ईटा का पावर ए, ईटा सॉरी आर का पावर क्या है ए, ए का वैल्यू क्या है माइनस वन, ईटा का पावर क्या है बी, बी का वैल्यू क्या है वन, और डी डेंसिटी सी, सी का वैल्यू कितना है माइनस वन, तो क्या हो गया, यही आंसर है, जो प्लस में उसको ऊपर लिख दिए, आर का पावर माइनस वन नीचे के प्लस वन, बी का पावर माइनस वन प्लस, यही हो गया फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी। एक और एग्जांपल दिखाते हैं, नोट कर लीजिए, एक और क्वेश्चन देखिए, फाइंड फॉर्मूला फोर टाइम पीरियड, टाइम के बारे में, टी टी एक टाइम है, यूजिंग डायमेंशन, इतना लंबा चौड़ा लिखा हुआ, टी डिपेंड करता, तीन को फैक्टर दे देगा, बोलेगा एम मास पे डिपेंड करता है, एल लंबाई पे डिपेंड करता है, टी टी नहीं जी लिख दे रहे, जी को भी बोलते हैं एक्स, ए भी बोलते हैं जी भी बोलते हैं, पृथ्वी का एक्सलेशन अर्थ का एक्सलेशन जी भी बोलते हैं, ये तीन बात पे डिपेंड कर दिया, फॉर्मूला फॉर टी निकालना है कि नहीं। सबसे पहले लेट क्या बोलेंगे, टी डिपेंड करता है मास का पावर ए, एल का पावर बी और जी का पावर सी, स्मॉल जी क्या है एक्सलेशन, अभी हम क्या करेंगे ए बी सी निकाल देंगे तो आंसर आ जाएगा, क्या करेंगे अब कंबाइन कर देंगे, अभी भी सब क्वेश्चन देख के ही लिख सकते हैं एम का पावर ए, अभी तो कुछ भी नहीं किए हैं, लेकिन हटा देंगे के एम का पावर ए, एल का पावर बी, जी का पावर सी, के क्या है कांस्टेंट, इसका डायमेंशन नहीं होता है कि नहीं। अब हम क्या करेंगे पुटिंग, क्या पुट करेंगे डायमेंशन बोथ साइड, दो तरफ डायमेंशन पुट करेंगे, एम तो नहीं है जीरो, एल भी नहीं है जीरो, टाइम का सिर्फ टी होता, हम क्या करें खुदे फंडामेंटल टाइम, एम नहीं है इसमें, एल नहीं है इसमें, तो टी बचेगा, के काम नहीं होता है, एम मतलब मास का पावर ए, एल मतलब दूरी, एल का पावर बी, जी मतलब एक्सीलरेशन, याद है एक्सीलरेशन, जी बोलिए ए बोलिए क्या बात है, एक्सीलरेशन का डायमेंशन अर्थ का होता है कोई का, एल का वन, टी का माइनस टू का पावर सी, डायमेंशन अच्छा से याद करना चाहिए। अब हम लोग एम का जीरो, एल का जीरो, टी का वन, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में एम तो एक के बार बचा, एम का पावर ए, एल कहाँ कहाँ है, बी है एल का पावर बी, फिर एल का पावर सी और टी का पावर माइनस टू सी, समझ आ रहा है, यहाँ पे एल का पावर भी खत्म, एल का पावर वन इंटू सी, सी होता है टी का पावर माइनस टू सी, एक जगह सजा के लिख दीजिए, एम का पावर ए बचेगा, एम का पावर बी और सी बचेगा और टी का पावर माइनस टू सी। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी इक्वेटिंग पावर, एम के लिए जीरो है तो ये ए होगा, एल के लिए जीरो है तो बी प्लस सी होगा, टी के लिए वन है तो माइनस टू सी होगा, ये तीन को इक्वेशन है कि नहीं, हमको ए बी सी निकालना है, ए तो जीरो आ गया, हम क्या करें, नहीं डिपेंड करता है, इसका मतलब जीरो मतलब नॉट डिपेंड,
हम लिख भी दिए तो m का पावर जीरो मतलब नहीं डिपेंड कर रहा, इसका मतलब ये होता है। और यहां से निकल जाएगा माइनस टू सी का वैल्यू वन, तो सी का वैल्यू माइनस आठ। अब b निकालना है तो कहाँ छिपा हुआ है, यहाँ पे आपका दिमाग है, बुद्धि यूज करके निकाल देना, तीन को चीज निकालना, तीन को इक्वेशन पता रहेगा, एकदम आराम से निकलता है। बी प्लस सी निकालना है, बी प्लस सी का वैल्यू जीरो दिया हुआ है, बी सी का वैल्यू माइनस हाफ इक्वल टू जीरो दिया हुआ है, बी का इक्वल टू हाफ हो गया, ए कितना आया, बी कितना आया, ए जीरो आया, बी हाफ आया, सी माइनस हाफ आया, है कि नहीं। अब इक्वेशन वाले पुट कर दीजिए, आ गया आंसर। टाइम निकालना था, के था एम का पावर ए, एल का पावर बी, जी का पावर सी, के एम का पावर जीरो, मतलब मास पे हम दे भी दिए, इसका मतलब मास पे डिपेंड नहीं करता टाइम पीरियड इस केस में। एल का पावर हाफ, बी मतलब हाफ, और जी का पावर माइनस हाफ। आप चाहेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं कि एम का पावर जीरो वन होता है, एल का पावर हाफ ऊपर लिखते हैं, और नीचे में जी का पावर माइनस हाफ को प्लस हाफ लिख दिए, इतना भी छोड़ सकते हैं। और हाफ मतलब पावर रूट होता है, एल का पावर हाफ मतलब एल का पावर वन बाई टू को मतलब रूट बोलते हैं, और जी का पावर हाफ नीचे लिख के प्लस कर दिए, और इसका पावर भी हाफ को हटाएंगे तो रूट निकल गया। नहीं जानते तो जान जाइए कि एक्स का पावर हाफ मतलब एक्स का रूट, अगर आपने पढ़े एट नाइन में तो जान लीजिए, एक्स का पावर माइनस हाफ है तो नीचे लाके एक्स का पावर हाफ तो क्या वो वन बाई रूट एक्स, यानी टी इज इक्वल टू के, और दोनों रूट को एक जगह मिला के यही है। देखिए हमने डायमेंशन के सहायता से फार्मूला निकाल दिए, नोट कर लीजिए। एक और बनाइए, एनर्जी डिपेंड्स अपॉन, मैं कुछ भी दे सकता आपको, हम समझा रहे हैं, कुछ भी देख सकते अपने से बना सकते हैं, रो जी एच। रो क्या है, प्रेशर, जी क्या है एक्सेलरेशन, और एच क्या है हाइट। एनर्जी डिपेंड करता है, रो नहीं करते ना, एम ए मतलब क्या मास, कुछ भी दे सकता है, थ्री जी बना रहे, एनर्जी डिपेंड करता है एम जी एच पे। फाइंड फार्मूला फॉर एनर्जी, फाइंड फार्मूला फॉर एनर्जी, बस चलिए लाइव क्लास को ऑन रखते हैं, आप ही ट्राई कीजिए, तो हम क्लास ऑफ नहीं कर रहे हैं, ट्राई कीजिए, तीन मिनट देते हैं आपको टाइम, देखते हैं आपसे फिर उसे मैच करिएगा। ट्राई कीजिए, बनेगा। बस ए बी एम का पावर ए लिखिए, जी का पावर बी लिखिए, एच का पावर सी लिखिए, तीन मिनट का टाइम है, देखते हैं आपसे खुद बनेगा नहीं बनेगा, फिर हमसे मैच कीजिएगा, ए बी सी निकालेगा आई का आंसर। सब ट्राई कर रहे हैं, वीडियो ऑन रखे हैं, ये लाइव क्लासेस से पढ़ रहे हैं, आप बनाइए फिर हमसे मैच कीजिएगा आंसर, आपसे पक्का बनेगा। अरे आठवां नंबर वीडियो, नवा वीडियो में चैप्टर खत्म, और भी कुछ कॉन्सेप्ट बता देंगे, डायमेंशन से कोई भी क्वेश्चन आएगा आपसे पक्का बनेगा। एबीसी लिखिए, कंप्लीट करिए,
सबको ट्राई कर रहे हैं, बन रहा है, एबीसी लिख लिए हैं, एक लगा दी दिखाई। लेट एनर्जी डिपेंड करता है एम पे, जी पे, एच पे, पावर ए बी सी कॉम्बाइन कर दिए होंगे, के लिख दिए होंगे, एम का पावर ए, जी का, इतना तो कोई भी कर लेगा। और फिर आप लिखिए क्या, पुटिंग द डायमेंशन बोथ साइड करके लिखिए। चलिए अरेंज कीजिए, तो इसके बाद अपने से कहिए सबका डायमेंशन आपको याद होना चाहिए। एग्जाम में सारा डायमेंशन जितना बताए वही यूज होगा, उतना ही आपको याद रखना चाहिए। ये स्टेप तो बहुत ईजी है, डायमेंशन पुट करना भी बहुत ईजी है, इक्वेट करना उसके बाद एबीसी निकल जाएगा। चलिए अगला स्टेप लिख रहे हैं आप, देखिए चलिए मिलाई तो एनर्जी m1 l2 t minus 2 होता है, k कांस्टेंट, m का पावर a, g क्या है एक्सीलरेशन का पावर b, और h क्या है l का पावर c। तो m का पावर 1, l का पावर 2, t का पावर minus 2, k कांस्टेंट है, m का पावर a, क्लियर है, l का पावर सब मिला के लिख दिया है, कोई k तो नहीं लिख रहे हैं, B प्लस सी सबको लिखेंगे उम्मीद है, B इसमें है और C उसमें है, और T का पावर माइनस टू सी लिखे हैं सबको, T का पावर C लिखे हैं, एक ही T है यहाँ पे, और किसका हाइट मतलब क्या ऊंचाई, ऊंचाई का क्या होता है डायमेंशन, L दूरी है, ऊंचाई भी क्या है ना, मालूम है ऊंचाई भी क्या है L है, इक्वेट कर देंगे बहुत इजीली आंसर आएगा अभी तो। बोलिए प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी किए होंगे सबको, M के लिए 1 है तो A है, L के लिए 2 है तो B प्लस सी है, और T के लिए माइनस 2 है तो C है, तो C का वैल्यू 2 निकल गया, गलती की है, M का पावर A, L का पावर B प्लस सी, क्लियर है, और T का पावर माइनस 2 भी, सॉरी हम गलती लिखे, T का पावर माइनस 2 भी, तो B का वैल्यू निकल गया, A निकल गया, और यहां से B भी निकल गया 1, B प्लस C का वैल्यू 2 है, तो 1 प्लस C का वैल्यू 2 है, C का वैल्यू भी 1, संयोग से तीनों बराबर आ गया, A का वैल्यू 1, B का वैल्यू 1, C का वैल्यू 1, तो एनर्जी इक्वल टू क्या था, K, M का पावर A, G का पावर B, H का पावर C, H ऊंचाई है, ऊंचाई L होता है, याद रखिएगा, K तो नहीं जानते हैं, M का पावर 1, G का पावर 1, H का पावर A, so energy is equal to K M G H formula। बहुत ही जी समय आ गया, नोट कर लीजिए, लिखो लिखते हैं। अपने से बनाइएगा, है ना, वीडियो खत्म करेंगे। ईटर डिपेंड करता है, ईटा डिपेंड करता है, फोर्स पे डिपेंड करता है, रेडियस पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। ईटा डिपेंड्स अपॉन फोर्स, रेडियस एंड वेलोसिटी। भी क्या है वेलोसिटी, आर क्या है रेडियस, एफ क्या है फोर्स, फाइंड फॉर्मूला फोर ईटा, और आंसर भी लिख दे रहे हैं, बना के रखिएगा, सबका बनेगा उम्मीद है, एफ का आंसर आएगा के के बाय के एफ बाय आर बी, के एफ बाय आर बी ईटा का आंसर आएगा, क्लियर है, तो बनाइएगा, एक वीडियो और देंगे, चैप्टर खत्म होने वाला है, इसमें क्या कमी है बताएंगे और एक दो क्वेश्चन और बता देंगे, नोट कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।